भी है एक बॉलीवुड का फिल्मी ट्विस्ट। तो क्या है, अनफॉर्चुनेटली हैड अ ब्रेकअप विद हिज एक्स गर्लफ्रेंड एंड उस दिन लक्ष्य ने सोच लिया कि ठुकरा के मेरा प्यार, ये रहा आपके सामने रियल लाइफ राजकुमार। उसने करके दिखाया जी जान लगा के AIR4। कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, मोटिवेशन अप एंड डाउन, सो यस यस कंटिन्यू। सैक्रिफाइसेस जो आपको करनी पड़ती है, आई थिंक ये तो मेरे लिए भी एक बड़ा इंस्पिरेशन है, दैट ही स्किप द लंच। क्यों? ताकि मेरे को यू नो द यू आर स्टिल देयर स्टिल हियर। सो अगर कुछ सैक्रिफाइस करोगे और फिर उसके जब फ्रूट्स मिलेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइफ, उसका मजा ही कुछ और होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे टाइम पे SFM है, ऑडिट है, DT है, थोड़े अबव एवरेज पेपर्स थे। ऑब्वियसली अबव एवरेज है तो सबके थोड़े ऊपर नीचे ही जाते हैं, तो उसके बाद कैसे मैनेज किया एंड व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी वे? वो जुनून, वो पागलपंती चाहिए भाई इस CA का डिग्री के लिए, वो पागलपंती चाहिए। एंड एंड आई टोटली अग्री टू इट। वो बोलते हैं ना, एक अंदर एक आग होनी चाहिए कि यार बस करके दिखाना है। ओके गाइस, सो आप लोगों के साथ आज मैं लाया हूं बहुत ही एक फिल्मी स्टोरी वाले ऑल इंडिया रैंकर को। सो यूजुअली अपना परसेप्शन होता है यार रैंकर है मतलब एकदम बस दिन रात पढ़ाई करता होगा, बिल्कुल की है इसने भी, बट उसके साथ इसकी स्टोरी में भी है एक बॉलीवुड का फिल्मी ट्विस्ट। तो क्या है ये, वो समझते अपन लोग। ऑल इंडिया रैंक 4 ऑफ CA फाइनल मई 2023 अटेम्प्ट, CA लक्ष्य अग्रवाल, वेलकम अबोर्ड। कैसा लग रहा है AIR4 लाके? हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम ईच वन ऑफ अस, प्लीज एवरीवन। Thanks a lot, sir. Thank you. It's an honor to be here. Like, I used to dream कि rank आएगी, शायद आएगी, single digit का तो खैर सपना भी नहीं था कि आ सकती है. रिजल्ट से एक रात पहले तो ऐसा लग रहा था कि ऑडिट में फेल हो जाऊंगा, बट राइट राइट, वी ऑल नो द रिजल्ट एंड सुपर आई परफेक्ट। कुडंट बी मोर हैप्पियर. एंड सो इन सब के लिए लक्ष्य ने क्या-क्या चीजें की थी इन टर्म्स ऑफ हिज प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, बस अब वो धीरे-धीरे अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर, क्यों ऐसा बोल रहे हो कि ये एक फिल्मी स्टोरी है? सो मैं आपको एक इसके बारे में बताता हूँ। अगस्त 2022, सो लक्ष्य वॉज इन अ रिलेशनशिप। ये एज ही ऐसी है दैट एवरीबॉडी यू नो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। बट अक्टूबर 2022 में लक्ष्य अनफॉर्चुनेटली हैड अ ब्रेकअप विद हिज एक्स गर्लफ्रेंड एंड उस दिन लक्ष्य ने सोच लिया कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाल देखेगी। एंड उसने एक्चुअली, ये तो अपन लोगों ने मूवी में देखा था, ये रहा आपके सामने रियल लाइफ राजकुमार। उसने करके दिखाया जी जान लगा के AIR4। सो इफ यू कैन जस्ट गिव मी कि भाई ठीक है, रिलेशनशिप्स है, समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स इट डजेंट, बट उसके बाद हाउ डिड यू रीग्रुप योर सेल्फ? एंड क्या तभी कुछ सोचा था, पेरेंट्स से क्या सपोर्ट मिला, या फिर इफ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू? तो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स. सो TLDR बात का है कि अक्टूबर में द थिंग हैपेंड एंड माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव ऑफ माय चॉइसेस सिंस द. सो दे गॉट टू नो एंड दे कुड बी मोर सपोर्टिव. माय मॉम वाज ऑलवेज अ कांस्टेंट इन माय लाइफ. तो उन्होंने कहा ठीक है, जो हो गया हो गया, अब आगे क्या करना है, बिकॉज लाइफ गोज ऑन. लाइक बराबर, मर भी जाता है तो भी जियो, कीप लिविंग राइट. ट्रू, तो आई इंट्रोस्पेक्टेड अ बिट कि CA फाइनल आने वाला है एंड तुम क्या कर रहे हो लाइफ में बेसिकली पिछले 2 साल से. लाइक आई टुक माई आर्टिकलशिप वेरी लाइटली एंड दिस नॉट सीरियस एट ऑल. मतलब ओके, DU में कॉलेज में कौन ही ज्यादा पढ़ाई करता है, तो वही सही तीन बात है, साल का जो फेज था वही मेरा आर्टिकलशिप में चला. ओके। तो मतलब जैसे लोग जो मेरे साथ जस्ट के फॉर द व्यूअर्स टू नो, लक्ष्य को CA इंटरमीडिएट में रैंक नहीं था एंड डायरेक्टली CA फाइनल में सिंगल डिजिट 4th रैंक। तो मतलब पढ़ाई ऐसी करो कि 4 लोग कहे अरे वाह, इसको तो 4th रैंक आया है। तो as I was saying कि then I thought कि फिर सारे लोग कोचिंग ले रहे थे जो आर्टिकल्चर के साथ थे, बट आई वाज लाइक कि ठीक है कर लेंगे. बिकॉज इंटरमीडिएट में भी आई डिड नॉट स्टडी टू हार्ड. लाइक ओके दो तीन ओके महीने पढ़ा एंड आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स. तो ओके करेक्ट काफी एक होता है एरोगेंस आ जाता है कि द कोर्स के लिए रिस्पेक्ट कम हो जाती है कि हाँ यार सब क्लियर टफ होगा, हमारे लिए नहीं है, अपने करेक्ट आप करेक्ट काफी स्पेशल समझने लगते हैं. करेक्ट बट देन आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है. बिकॉज मैंने पहला सब्जेक्ट उठाया था SCM, उसकी कोचिंग मैंने काफी पहले ले ली थी. करेक्ट और जब मैंने दोबारा वो पिक किया ना फर्स्ट रिविजन में फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया, इट इज लाइक कि ऐसा बॉर्डर क्राइटेरिया भी कुछ होता है ऐसा. ऐसा कुछ पढ़ा भी है, तो इट लेजिट हैपेंस. सो आई राइट थॉट कि आई वाज वेस्टिंग टू मच टाइम टू मच एनर्जी इनटू समथिंग दैट वाज नॉट वर्थ इट.
ऐसे फिल्मी की बात कर रहे हैं तो आई वन वंस पे मेरे दिमाग में आया ख्याल कि अब जब मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ पूरी जान लगा करके, तो बराबर, परफेक्ट, मैं सीधा रैंक वन टारगेट करूंगा, मैं मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आई एम गोना बी द बेस्ट, मुझे किसी से नहीं हारना। सो मीत शाह थे May 2022 के ऑल इंडिया रैंक करेक्ट वन, करेक्ट, मैंने उनकी मार्कशीट निकाली एंड ओके आई टुक अ प्रिंट। मैं मम्मी के पास आया घर पे शाम को एंड आई सेड कि अब की बार इस बंदे की रैंक वन आई है एंड May 2023 में मेरी आएगी। तो सुपर सुपर, माय मॉम सेड कि हीरो बन के बोल तो दिया है, अब इस पे अमल भी करना। तो मैंने कहा यस डेफिनेटली। बट जैसे जैसे आप जर्नी स्टार्ट होती है, मतलब आप स्टार्ट कैसे करते हो कि हम तो फोड़ देंगे फोड़ देंगे, सही बोल फिर रहे हो, तो सब सब ऐसा ही होता है, सही बात है। धीरे 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 जैसे जैसे सब्जेक्ट्स हुए, लाइक फर्स्ट रिविजन के बाद आई वाज लाइक कुछ पढ़ा भी है, लाइक 2 महीने निकल गए एंड जब तुम दोबारा उठा रहे हो सब्जेक्ट्स को तुम उन्हीं करेक्ट क्वेश्चंस में दोबारा अटक रहे हो। लाइक करेक्ट, एक बहुत जेनरिक से एडवाइस होती है कि क्वेश्चंस मार्क कर लो, सारे राइट नहीं निकले, मेरे राइट, तो कुछ भी नहीं निकला था। तो ओके। फिर तो सो AIR 4 भी अपने नॉर्मल जैसा ही है कि भाई अपन लोग एक बार तो पढ़ लिया, बट जब सर वापस बुक खोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम ही पढ़ना पड़ रहा है, अपन जो चीज की हुई थी उसमें भी अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, मोटिवेशन अप एंड डाउन। सो यस यस कंटिन्यू। मतलब मैंने क्वेश्चन मार्क किए थे एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग मैंने मार्क्ड क्वेश्चन एक बार दोबारा ट्राई करे और ओके वो नहीं बना, मेरा एक क्वेश्चन नहीं बना वो, तो मेरा कॉन्फिडेंस ही उठ गया अपनी मार्किंग पे से। तो राइट, मैंने लेजिट दोबारा से सारा स्टार्ट करा। आई वाज ओके लाइक करेक्ट, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, बट क्वालिटी आनी चाहिए राइट। परफेक्ट, सो फिर उसके बाद धीरे धीरे अप्स एंड डाउन आए, तो माई मॉम सेड कि तूने स्टार्ट क्यों किया था। लाइक कुछ ऐसे टाइम्स भी आया वैसे लाइक कि मैं फेल ही हो जाऊंगा रैंक वन, तो छोड़ो बहुत दूर की बात है, ऐसा लग राइट रहा था कि कहीं फेल ना हो जाऊं। अप्रैल राइट में एक टाइम आता राइट, सो वो रिजल्ट्स टाइम पे मार अपने दिए आपको कैसे स्टिल मोटिवेट किया आई था एम तुमने? नॉट। मेरी मम्मी ने अगेन एक फिल्मी सी लाइन मारी थी कि तेरा नाम लक्ष्य है इसलिए नहीं रखा था कि तू गिव अप कर देगा, तेरा नाम लक्ष्य इसलिए रखा था कि तू अपने हर लक्ष्य को हासिल करेगा। वाह सुपर यार, मेकिंग द पेरेंट्स प्राउड, वाह वेल डन लक्ष्य। एंड अगेन मतलब पूरे 5 महीने की जर्नी में आई डोंट थिंक कि मैंने किचन से पानी का गिलास भी लिया हूँ कुछ करके, ओके एंड ओके 14-15 घंटे की सिटिंग होती थी तो बैक पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि आई कांट रियली टेल यू। तो ट्रू, माय फादर यूज्ड टू गिव मी मसाजेस, वाओ खुद थके होना एंड देन बंदे को मसाज देना। माय सिस्टर स्टॉप कमिंग होम क्योंकि उनका छोटा बेबी था, ओके करेक्ट, सो इट यूज टू डिस्टर्ब मी। तो वो मुझे 3 महीने तक घर नहीं आई, मम्मी पापा से दूर रही सो तेरा ओवरऑल एंड शेड्यूल कैसे रहता था? सुबह उठता था, खाने पीने का टाइमिंग एंड वो सब फिक्स था, हाउ डज इट वर्क? यस। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि धीरे धीरे करके मोमेंटम बिल्ड किया। तो मैं सुबह 7 बजे उठता था एंड 7:30 बजे पढ़ने बैठ जाता था शाम, फिर 7:30 से लेकर के रात को 12:30 तक आई यूज टू स्टडी कंटिन्यूअस, वाह नहीं बट मैंने लंच स्किप कर दिए थे, लंच मैंने करना छोड़ ही दिया था अच्छा है, उसका रीजन? बिकॉज लंच करके नींद आनी शुरू हो जाती है दोपहर में, तो ओके वो एफिशिएंसी उतनी नहीं निकल पाती। लाइक ओके वेरी ट्रू, जो जो आप मोमेंटम बिल्ड करते हो सुबह से लेके 12 बजे तक, वो 2 बजे आप खत्म कर देते हो खाना खाते हुए, करेक्ट ठीक करेक्ट है। फिर खाना खाते टाइम आप कुछ देखना भी होता है यूट्यूब पे, करेक्ट, लेजिट मान लो तुम यूट्यूब पे स्टडी की वीडियो से देख रहे हो बट हाँ तुम्हारा वो फोकस तो टूट रहा है ना करेक्ट, राइट। तो आई यूज टू स्किप द लंचेस, मैं ब्रेकफास्ट में दलिया खाता था ओके मैं बोल भर के खाता था वाह एंड थ्रू आउट द डे मेरी मॉम फ्रूट्स वगैरह या ओट्स या स्प्राउट्स कुछ भी देती रहती थी जस्ट सो कि मुझे बहुत ज्यादा भूख ना लगे राइट एंड मतलब न्यूट्रिशन भी मिलता रहे बट मैं बहुत ज्यादा फिल अप ना करूँ अपना स्टमक तो नींद में आए। तो गाइस, दीज आर द लेवल ऑफ सेक्रीफाइसेस जो आपको करनी पड़ती है। आई थिंक ये तो मेरे लिए भी एक बड़ा इंस्पिरेशन है, दैट ही स्किप द लंच, क्यों? ताकि मेरे को यू नो दोपहर के टाइम पे नींद आए, एंड इट इज वेरी यूजुअल, सबके साथ ये चीज होती ही है, तो वो टाइम वेस्ट ना हो, वो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी कम ना हो, इसके लिए ही एंश्योर्ड दैट दिस दिस हैपेंस यू नो विद हिम। सो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज है, कीप इट अप लक्ष्य, एंड आई एम श्योर, सी आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो लक्ष्य ने नहीं किया था, बट उसका इंटेंशन ये था कि वो हैवी ब्रेकफास्ट कर लेता था, सो इट मेड इट अप
फॉर हिज लंच एंड देन रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा लिया सो दैट न्यूट्रिशनली हिज माइंड इज बैलेंस्ड. एम आई राइट? यस. और मतलब अगर नींद आ भी रही है सो यू कैन जस्ट डोज ऑफ ऑन योर टेबल ओनली. जब मैं सोफे पे बैठ के पढ़ता था तो जस्ट लाई डाउन, लाई बैक एंड आंखें बंद करके, ताकि यू डोंट गेट टू कंफर्टेबल. लाइक तुम अगर चद्दर वद्दर लेके सोओगे तो गए 2 घंटे. करेक्ट 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 करेक्ट. और फिर वो 2 घंटे के बाद उठो फिर और आधा घंटा अपने आप को रीग्रुप करने में चले जाता है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. मतलब मैं सुबह उठते ही सीधा बाथरूम में जाके एकदम कोल्ड शावर ले लेता हूँ, फेब्रुअरी में भी, ताकि वाओ नींद नींद भाग जाए एकदम से. ओके बिकॉज आई थिंक इफ यू आर प्रिपेयरिंग, तुम्हारी सोशल लाइफ खत्म हो चुकी है, राइट तुम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट अ मंक, तुम अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तुम करेक्ट अपना लाइफ डेडिकेट कर रहे हो स्पोर्ट्स को, तो ढंग ट्रू से कर, आई ट्रू वुड से. ट्रू. सो सोशल लाइफ खत्म हो चुकी है इस बात पे, मतलब हाउ वाज इट फॉर यू? द सोशल मीडिया चैनल्स पे था एक्टिव या डीएक्टिवेट कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं तो यही कहता हूँ सबको कि यू नो यू हैव टू टोटली सैक्रिफाइसेस सब बंद ही कर दिया करो, दैट इज द बेस्ट थिंग. व्हाट वाज योर अप्रोच? नहीं तो आई थिंक कि ना हमारा फोकस बहुत ही इवन स्कैर्स रिसोर्स है इंसान का. वाओ बट ट्रू आप मतलब जो मतलब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टॉपर्स भी बोलते हैं कि दे यूज टू यू इंस्टाग्राम और समथिंग. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मतलब मैं मोनोमेनियकल का एक चीज में बिलीव करता हूँ कि एक चीज होनी चाहिए लाइफ में एंड यू गिव योर 100% टू इट. परफेक्ट. मतलब आपने लेट्स अज्यूम इंस्टाग्राम 5 मिनट के लिए देखा, 5 मिनट में कुछ ऐसा दिख गया आपको प्रोवोकेटिव कि वो आपके साथ रह गया, ठीक रह गया. है, एंड आपकी आप में आपके ब्रेन की एनर्जी बहुत ही प्रेशियस होती है उस टाइम पे. एंड ट्रू यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इट इनटू द वर्थ वाइल योर स्टडीज, नथिंग एल्स. तो परफेक्ट मेरा इंस्टाग्राम तो खत्म ही था. व्हाट्सएप पे आई हैड ब्लॉक्ड ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट फॉर टू ओके थ्री पीपल. तो ओके आई लेजिट ब्लॉक्ड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी ओके एंड बाकी स्नैपचैट वगैरह तो मैं अब भी यूज नहीं करता. ओके टेलीग्राम आई यूज्ड बिकॉज ओके टेलीग्राम पे तो रिसोर्सेज वगैरह आते हैं. बट अब मेरा इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम इज अराउंड 9 आवर्स अ डे. अरे अब तो हक से बनता है यार, डेफिनेटली यू डिजर्व दैट, यू डिजर्व दैट. सो वही है, देखो उसी एंड ऑफ द डे सबको अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पे रहना, फेमस होना, देखना एंड ऑल ऑफ दैट. बट ये मजा कब आएगा पता है? आज लक्ष्य इतना एंजॉय कर पा रहा है उस इंस्टाग्राम को, बट उसके पहले के 6 महीने उसने ये सारी चीजों को क्विट कर दिया, तब जाके आज वो एंजॉय कर पा रहा है. यही अगर आप कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम देखते रहते, क्लियर नहीं हो पा रहे हो एंड देन अभी भी देख रहे हो, देन यू नो वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा. यू आर स्टिल देयर, स्टिल हियर. सो अगर कुछ सैक्रिफाइस करोगे और फिर उसके जब फ्रूट्स मिलेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइफ, उसका मजा ही कुछ और होगा. यस यस लक्ष्य तेरा भी यही प्लान था. टोटली एग्रीड. मतलब माय सिस्टर सेड कि जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेगा ना चौथी रैंक का, तब जितने लाइक्स आएंगे ना उतने लाइक्स अभी कभी नहीं आने वाले. कभी नहीं आने वाले, सही बोल रहे हैं एंड तो सो ट्रू. एंड अभी ये फैमिली इंटरव्यू के बाद भी उतने ही लाइक्स आएंगे आई एम श्योर. सो स्टडी आवर्स के बारे में अपन लोग ने समझा, ही यूज्ड टू स्टडी फॉर अराउंड 12 to 14 आवर्स इजिली एवरी डे. कंसिस्टेंटली उसने ये चीज किया है. सोशल मीडिया से टोटली कट ऑफ कर दिया था अपने आप को. व्हाट्सएप पे खाली 2-3 उसने बोला कि कोई मेंटर्स थे, उसके सीनियर्स थे, उनके साथ कभी कभार दिन में 5 मिनट बात हो गई तो हो गई एंड दैट्स इट. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर मॉड्यूल स्टडी, या फिर आपने बुक्स क्या रिफर की थी इन जनरल, अगर उसके लिए आपको कुछ टिप्स देना है स्टूडेंट्स को कि भाई ये चीज तो करके ही जानी है. यस आपने से फॉर एग्जाम्पल SEMP मेरे से लिया है तो मेरी बुक होगी, या कोई और ऑथर से कुछ लिया होगा, बट इन जनरल एक-एक अगर गाइडेंस आपको देना हो स्टूडेंट्स को तो व्हाट वुड दैट बी? सो जनरली स्पीकिंग इफ दोज वर थ्योरी सब्जेक्ट्स तो आई रिलाइड ऑन मॉड्यूल ओनली. मतलब ऑफ कोर्स आई सप्लीमेंटेड इट विद अ क्वेश्चन बैंक ऑफ सम ऑथर जो भी परफेक्ट मार्केट में होते हैं, एवरीबॉडी नोज. थ्योरी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए जो भी मैंने कोचिंग्स दी थी तो उन टीचर्स की, एंड एक बार मैंने मॉड्यूल गो थ्रू कर लिया था लाइक परफेक्ट कुछ छूटे ना. एंड फॉर SEMP स्पेसिफिकली, SEMP वॉज माई नाइटमेयर टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि करेक्ट. नहीं पता क्या लिखना है. ठीक है, लाइक काइजन का एक क्वेश्चन में आंसर कुछ और है, एक क्वेश्चन में आंसर कुछ और है. एकदम सही बोला, एकदम सही बोला. मतलब आप मॉड्यूल में देखोगे तो मॉड्यूल का थियोरी कुछ और दिया है, बट जब वही काइजन का केस स्टडी आप ओपन करोगे तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, अभी अपना ही खुद का थियोरी चल रहा है. मतलब आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंस्टीट्यूट ऑन दिस, बट ओके व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड रीजन. एंड मेरी थोड़ी किस्मत भी अच्छी थी कि क्योंकि मेरा SEMP का प्रिपरेशन बहुत ही हाफिजेड सा था, तो ओके क्योंकि मैंने स्टडी मैट तो रेफर किया था फॉर थ्योरी, बट देन
मिडवे आई रियलाइज की तो मैच इन योर आंसर सच एज यू सेड, और एग्जामिनर तो आंसर तक नंबर तभी देगा जब उसको मैच मिलेगा. करेक्ट तो आई वाज लाइक कि दिस इज अ वेस्टफुल एक्सरसाइज, बट स्टिल आई डिड इट कि भाई क्या ही कर सकते हैं, कितनी केस स्टडी रटेगा इंसान. सो आई डिड दैट एंड आई फोकस मोर कि अगर प्रैक्टिकल आज गया तो प्रैक्टिकल में आई शुड स्कोर 100 और 100, मतलब 100% करेक्ट मार्क्स. करेक्ट सो आई डिड ऑप्टिमाइज फॉर दैट एंड मैजिक बुक 1.5 दिन के लिए थी एंड या सो दैट वाज मोटा मोटा ऐसे ही गया. बट SCMP के अंदर मैं तो कोड क्रैक नहीं कर पाया था एंटर, लाइक आई क्रैक कोड ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, बट SCMP और SCMP मेरे लोएस्ट मार्क्स आए हैं 63. ओके 63 लोएस्ट है वैसे, वो लोगों के लिए एक ड्रीम होता है SCMP में लाना. नहीं बट मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, आई वुड से दैट ऑनेस्टली कि मेरा लक थोड़ा फेवर कर गया था कि मेरे अटेम्प्ट में जो पेपर था वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा था. ट्रू ट्रू मतलब और जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आई गेस सप्लाई चेन समथिंग करके कुछ तो था, वो क्वेश्चन मुझे एक पार्ट भी नहीं आता था ऑनेस्टली. ओके ओके मतलब जब मैंने वो देखा था आई वाज लाइक कि भाई ये तो नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू डू दिस. बट जब मैंने बाकी क्वेश्चंस देखे, एक प्राइसिंग का क्वेश्चन आया था जो नया क्वेश्चन था, इज ए इक्वल्स टू बी क्यू कुछ ऐसे क्वेश्चन था. एम आर इज या इक्वल टू ए माइनस बी की वाला. हाँ हाँ वो है भाई. तो आई वाज एबल टू डू दैट, फिर मुझे लगा कि हाँ थोड़ा मैनेजेबल है, 40 तो आ जाएगा, बाकी करेक्ट सब मैं खींच लूंगा जो लग जाए. परफेक्ट 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 परफेक्ट. ठीक है, अब सोशल मीडिया की बात हो गई अपनी, तेरी स्टडी आर्ट्स की बात हो गई, SCMP के जैसे बारे में तूने थोड़ा बहुत बताया अपने को. अब फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, नाउ दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब क्या तेरे ड्रीम्स है जो तू पूरा करना चाहता है? लाइक जब से रिजल्ट आया, मतलब पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रैंक नहीं आएगी, आएगी भी तो 40 से लेकर 50 के बीच में आएगी, लाइक किनारे पे आएगी रैंक. तो मैंने उसी हिसाब से प्लान चॉक आउट किया था कि MBA कर लेंगे या शायद पहले जॉब कर लेंगे बिग फोर वगैरह में कहीं पे. बट अब जब रैंक आ गया है तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आ गई है वेरी ग्रास्प में. ट्रू करेक्ट. बट जब से रिजल्ट आया आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रोसेस जो कुछ हो रहा है पिछले दिनों में. मतलब अभी तो शांति से बैठ भी नहीं पाया होगा, बार बार कॉल्स एंड एवरीथिंग, आई एम श्योर. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो आई एम नॉट बीन एबल टू इंट्रोस्पेक्ट एंड आई डोंट वॉन्ट टू रश इन टू एनीथिंग. ट्रू सो आई प्रॉब्ली थिंक आई गो फॉर MBA और मे बी मैनेजमेंट कंसल्टिंग. सो या दैट वुड बी द प्लान. परफेक्ट. नहीं, मेरे काफी सारे रैंकर्स हैं हु आर इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग, वन ऑफ देम इज इन BCG, वन ऑफ देम इज इन बैन, एंड दे आर रियली हैप्पी. एंड वो उनसे पता चलता है कि SCMP का नॉलेज काफी अच्छा यूज हो रहा है. वो लोग बोलते हैं सर ऑडिट टैक्स FR बाकी कुछ यूज नहीं हो रहा है हमारा मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, बट SCMP का नॉलेज यूज हो रहा है. आई एम लाइक चलो अच्छा है, अच्छा लगा सुन के, बिकॉज अदरवाइज यूजुअली ट्रेडिशनली सब वही स्टैट ऑडिट टैक्स एंड वही वही रोल में चले जाते हैं. आई थिंक SCMP इज अ ग्रेट सब्जेक्ट, बट द वे इट इज एग्जामिन्ड इन करेक्ट एग्जाम्स करेक्ट इट इज पैथेटिक टू बी वेरी ऑनेस्ट. परफेक्ट मतलब परफेक्ट. आई एग्री, आई टोटली एग्री. मतलब सब्जेक्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें डाले, बट उन्होंने उसको खुद ही इन्होंने इतना हैपेजार्ड कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट छूट जाता है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में एक डर बैठ गया है. बट इफ डन सिस्टमैटिकली इट हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट है ना यार. अच्छा एक बार वापस रिपीट कर देना, थोड़ा ये मिस आउट हो गया था. नहीं, एट द एंड तक पहुंचते इन मोस्ट मेजरली सब्जेक्ट्स यू आर लाइक कि रट के खत्म करो, लाइक करेक्ट नंबर लो करेक्ट और आगे बढ़ो. बिकॉज कोई फायदा नहीं है ना कि तुम समझने बैठोगे तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तुम फेल हो जाओगे, तो फिर क्या करोगे इस नॉलेज का, डिग्री हाथ में नहीं होगी. सही बात है. ये लोग इतनी करेक्ट नॉलेज देंगे पास होते. राइट राइट राइट. सो जैसा लक्ष्य ने बताया, मॉम्स रोल वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अक्टूबर में तेरा ये जो ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद में तूने इमीडिएटली तभी सोचा कि भाई चलो अभी पढ़ाई चालू करनी है, और तेरे को कितने टाइम का लीव मिला, एंड इफ यू कैन टेक अस थ्रू दैट. तो आई गॉट अ लीव ऑफ अराउंड 5 months. ओके परफेक्ट सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, पहले तो स्टार्ट, मतलब अभी तक तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तुमने राइट बस क्लासेस देख के साइड कर दी है, तुमने करेक्ट कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है. तो CA फाइनल में हलवा तो है नहीं कि तुम स्टार्ट करोगे और करेक्ट सब कुछ इजीली फॉल इनटू प्लेस हो जाएगा. यू राइट मेक मिस्टेक्स, कभी कभी तो ऐसा लगा कुछ बुक्स करने के बाद लगा तो बिल्कुल ही बेकार थी यार. तो समटाइम्स यू आर जस्ट नॉट एबल टू स्टडी, दिमाग काम नहीं कर रहा होता. ट्रू ट्रू तो
ऐसे मोमेंट्स आए बट दरान रिलीज दिस फ्रेंड ऑफ माइंड रजत जैन भी इज अ सीए, ओके वो मुझसे 2 अटेम्प्ट पहले सीए बन गया था. तो ही वाज देयर फॉर मी, वाओ माय मेंटर्स, देयर वाज दिस गाय कॉल्ड राहुल वर्मा फ्रॉम एसआरसीसी, ही वाज वाओ आल्सो सीए, तो ही वाज देयर फॉर मी टू गाइड मी थ्रू. सुपर सो या पीपल वर देयर एंड यू ऑलवेज नीड अ टीम. परफेक्ट माय मॉम वाज ऑब्वियसली देयर. मतलब परफेक्ट आई रिमेम्बर एफआर का पेपर था एंड मेरी ग्रेडिंग की स्ट्रेटजी वाज पैथेटिक, ओके क्योंकि मैं बना ही नहीं पाया था. आई थॉट कि बाद में बना लूंगा बट वो ओके बाद कभी आता नहीं है. आता नहीं है. राइट राइट तो मेरी एक बहुत मेजर ब्लंडर था जो मे बी पॉसिबली कि मेरी रैंक पर इसलिए नहीं आई कि मैं 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी संभाल नहीं पाया. ओके तो जो 2 दिन की लीव मिली थी हमें ऑडिट में, आई टेल यू एन इंसिडेंट, एंड 2 दिन में आप सोचते हो कि आप कवर कर लोगे हाँ अच्छे हाँ से, राइट बट मैं थोड़ा लाइट ले गया था एंड मैं एसएएस कवर ही नहीं कर पाया ऑडिट के अंदर. ओके ओके एंड इफ समवन इज एमिंग फॉर अ रैंक और वो ऐसे छोड़ जाए, इट्स अ सुसाइड. ठीक है, तो मैं रोता हुआ जा रहा था एग्जाम सेंटर पे. माय मॉम वाज देयर. माय मॉम सेड कि 40 आ जाएंगे. मैंने कहा 40 तो आने चाहिए. तो शी सेड बस बहुत है, नोट दिन लेनी, अगर नहीं भी हुआ तो दुकान में बैठ जाइए. वी आर देयर तो सेड कि बी ब्रेव, अभी तक तूने मेहनत करी है 5 महीने से, ऐसे वेस्ट मत कर. करेक्ट करेक्ट तो आई वेंट इन द एग्जाम एंड आई जस्ट सॉ द पेपर. मैंने कहा पहले 40 मार्क्स क्यों होंगे. सो आई सॉ द फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं आया. सेकेंड थोड़ा बहुत, एक एक पार्ट आता था 3 में से. देन आई फाउंड माई 40 मार्क्स इन द थियरी पेपर इटसेल्फ अपार्ट ओके फ्रॉम द एमसीक्यू. एमसीक्यूज ओके तो आई स्कोर गुड इन ऑडिट अराउंड 64. सो पेपर अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे टाइम पे एसएफएम है, ऑडिट है, डीटी है, थोड़े अबव एवरेज पेपर्स थे. ऑब्वियसली अबव एवरेज है तो सबके थोड़े ऊपर नीचे ही जाते हैं. तो उसके बाद कैसे मैनेज किया एंड व्हाट वाज द स्ट्रेटजी वे अहेड? अबव एवरेज नहीं थे, डिफिकल्ट थे. मैं डिफिकल्टी डिफिकल्ट. ओके ओके बोलूंगा लेट्स यूज द वर्ड डिफिकल्ट थे. एक्चुअली ट्रू. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट. लाइक डीटी का पेपर जब आया, मतलब डीटी की मैंने 5 रिविजन्स की थी. लाइक ओके डीटी में आई वेंट इनसेन, वाओ क्योंकि डीटी स्कोरिंग है बट करेक्ट डिफिकल्ट. करेक्ट तो मेरे सामने वाला जो था, आगे वाला, उसके 4 अटेम्प्ट हुए थे डीटी में. ओह उसने मुझे बोला 4 अटेम्प्ट हुए. एक तो मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो गया सुन के. ठीक कोई है. एग्जाम टाइम पे ऐसा बोलते तो. ओके तो उसने भी ब्लैक पहना हुआ था, मैंने भी ब्लैक पहना हुआ था. तो कह रहा यार मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए, देख हमने सेम कलर पहना हुआ है. एंड आई वाज लाइक आर यू क्रेजी. आई नो यार, मतलब ऐसा कौन बोलता है. तो ही से, एंड जब एग्जाम पेपर हमें मिला तो पहला 6 क्वेश्चन देखा एंड 6 क्वेश्चन पीपल वुड रिलेट कि वो नहीं था. ओके वो अगर किसी ने करा है तो भाई मेरे हैट्स ऑफ है. हाँ मतलब वो इंस्टीट्यूट का टिपिकल वाला था ग्रुप डी क्वेश्चन. हाँ कि तुम छोड़ दो. वो छोड़ दो, सिर्फ वो चॉइस ही नहीं थी उस पेपर में बेसिकली. तो समझ गया. उस बंदे को पीछे मुड़ा एंड ही सेड ये डीटी का पेपर है. एंड आई वाज लाइक कि भाई अब तू बोल मत, तू चुप हो जा. आई नो यार. सो मतलब आई यूज्ड टू डू व्हाट आई यूज्ड टू डू कि टेक 1 क्वेश्चन एट अ टाइम. तो तुम ओके भूल जाओ कि तुम्हें पूरा पेपर करना है ओके एंड पहले आधे घंटे में तुम भूल जाओ कि तुम्हारे पास 3 घंटे. सोचो पूरा दिन है हमारे पास. ओके ठीक है, ओके पहले आधे घंटे में अपना टाइम लो. क्वेश्चन मतलब एक डीटी डबल ए का क्वेश्चन आया था, मैंने काटा, दोबारा करा, फिर काटा, फिर दोबारा करा. मतलब ओके करेक्ट पहला क्वेश्चन जिसे बोलते हैं कि एग्जामिनर पे इंप्रेशन बनना चाहिए वो सब, करेक्ट बट मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन 3 बार काटा. लाइक लेजिट 3 बार ओह काटा है. पहला ओके आधा घंटा हो चुका है एंड यू हैव जस्ट डन 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक, और वो भी डीटी से सब्जेक्ट में आई जिसको बोला नो जाता है बहुत लेंदी है. करेक्ट राइट, प्रेशर लेवल वॉज इनसेम. तो आई वॉज लाइक कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा. मतलब मेरा ये रहता था कि जब लगाना अपन ने अब बहुत कर दिया है, मचा दिया है, तो बोलो जो होगा देखेंगे. ठीक देखेंगे. है, सही बात है. तो मतलब भगवान अपने साथ है, अपन ने मेहनत करी है, अपन ने किसी का बुरा नहीं करा, तो ट्रू अपने को भी बढ़िया मिलेगा कुछ ना कुछ. करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट सो देन आई फिर धीरे धीरे मोमेंटम बनता गया. डीटी का पेपर 5 मिनट पहले ही खत्म हो गया था एंड आई अच्छा स्कोर ओ 50 एंड वाह आई स्कोर 17 दैट. तो या ब्रिलियंट. मतलब डिफिकल्ट पेपर के लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि अगेन पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है एंड अपनी मेहनत पे यकीन रखो, पेपर वेरी तो ट्रू. जैसा आएगा आएगा. राइट, आएगा बराबर है. और इंस्टीट्यूट का तो काम ही है ऐसा. वो एक दो तीन पेपर तो टेस्ट करेगा ही वो. एंड आई वुड सजेस्ट कि डोंट बी सॉफ्ट ऑन सब्जेक्ट्स. व्हाट आई मीन बाय दैट इज कीप प्रिपेयर हार्ड.
लाइक कई बार मैंने देखा है लाइक कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं एंड दे गो लाइक यार ये टॉपिक नहीं हो रहा तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? लाइक क्यों छोड़ दिया? बराबर है, वो मतलब जुनून, वो पागलपंती चाहिए भाई इस सीए का एग्जैक्टली डिग्री के लिए, वो एग्जैक्टली पागलपंती चाहिए। एंड एंड आई टोटली अग्री टू इट। वो बोलते हैं ना, एक अंदर एक आग होनी चाहिए कि यार बस करके दिखाना है। एग्जैक्टली एंड वन मोर थिंग वाज कि यू आर नेवर गोना बी अ स्टूडेंट अगेन राइट। ट्रू, सो रिस्पेक्ट द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव बीन गिवन। देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया हु वांट टू डू सीए बट दे कैन बिकॉज़ नहीं कर पाओ। ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स करेक्ट और लाइक करेक्ट इवन मैरिड पीपल। सो आई वुड सजेस्ट कि हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। वेरी ट्रू, सो वेरी व्हाई ट्रू, आर यू गोइंग सॉफ्ट ऑन योरसेल्फ एंड लाइफ इज नेवर गोना बी सॉफ्ट ऑन यू। ट्रू, सो व्हाई आर यू नॉट अटैकिंग बाय द सेम मेथड्स। लाइक परफेक्ट कोई भी कॉन्सेप्ट क्यों छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन क्यों छोड़ना है। परफेक्ट। लाइक मैंने सिर्फ 1.5 दिन में सोचा था कि अगर नहीं हो रहा है तो हम छोड़ना पड़ेगा। एकदम एंड पे आके मैंने छोड़ा समझ गया। तो कुछ कुछ एक कॉन्सेप्ट। एसएमबी में यूजुअली लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ देते हैं। तूने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा था, क्या किया था? मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब कोई क्यों छोड़ता है मेरी समझ में नहीं आता। ऑफ कोर्स मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं किया एग्जाम में स्टैंडर्ड ओके कॉस्टिंग वाला क्योंकि बाकी वर इजी। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग व्हेन यू टॉट तो मुझसे इजी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही लगा बिकॉज वाह, यू टॉट इट सो फिनोमिनली एंड मेरा तो लाइक दिल के मुझे एकदम लगता है करीब है यार। तो लाइक स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स इन एसएमबी। लाइक आई एग्री, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दैट आई क्वेश्चन एग्री, जो कि इकलौता ऐसा टॉपिक है एससीएम में कि यू कैन परफेक्ट, मतलब ठोक के बोल सकते हो कि यार इसमें तो पूरे नंबर है। तो आ जाएंगे, राइट। सजेस्ट कि एससीएम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे टॉपिक्स तो मेरे टॉट में तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ा एससीएम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के राइट राइट, चलो बढ़िया। एंड द क्वेश्चंस इन ऑप्टिमाइज वर आल्सो सफिशिएंट। और राइटिंग प्रैक्टिस का कुछ बता दे यार। राइटिंग प्रैक्टिस रखता था, टेस्ट दिया कि हाउ डज इट वर्क, ये खाली ऑडिट कर लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया, वैसे करना चाहिए या प्लीज नहीं गाइड नहीं अस। दैट इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग आई वुड से ब्लंटली। ओके कोई कोई ऑडिट करके जा रहा है ऑडिट करके पास हो रहा है तो नहीं किस्मत होगी। बट किस्मत है। मतलब यू डोंट बिलीव आई फेल्ड अराउंड 60 पेंस। ओह वाह, लाइक दुकान वाला पूछता था कि दो चार बच्चे साथ में मिलकर पढ़ाई कर रहे हो तुम एंड वाह। तो वो अगेन अगेन ना वो डायलॉग, पेन्स इतनी इतना राइटिंग प्रैक्टिस करो कि पेन का दुकानदार पूछे, चार लोग मिलके पढ़ाई कर रहे हो क्या? सो एंड आई फेल्ड अराउंड 200 पेजेस के 5 रजिस्टर्स अराउंड ओके 1000 पेजेस एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स को बट आई डू वाज की स्टडी मैट लिया आई लर्न इट जैसे बच्चे याद करते हैं ना हाथ परफेक्ट करके याद परफेक्ट, एकदम किया सही, एकदम सही है। उसके बाद लिख के देखा एंड देन मैच किया जो डिफरेंस था फिर दोबारा लर्न किया लिख के देखा उसके परफेक्ट। सो बाद अगेन करने। सिंपल है, काइज़ेन कॉस्टिंग है, बंद कर दो। काइज़ेन कॉस्टिंग इज अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काई चेंज फॉर बेटर, हो गया, लिख लो, बेस्ट आइडिया। खत्म एंड लोगों को लगता है कि इसमें बहुत एफर्ट जा रहा है बट वंस यू गेट इनटू द प्रोसेस राइट इट परफेक्ट। बिकम्स सो इजी। मैं भी ये चीज बोलता हूँ, बट पब्लिक बोलता है कि सर कितना टाइम लग रहा है। मैं बोला यार आगे रिवीजन में टाइम बचेगा, वो तो समझो। लेजिट लेजिट एंड वन मोर थिंग वाज कि जैसे इको लॉ का पेपर था तो बहुत ही इजी पेपर था बट लोगों का कंप्लीट ही नहीं हुआ। आई एम नॉट ब्रैगिंग बट मेरा कोई भी पेपर छूटा नहीं सुपर, एंड पीपल वर डूइंग लाइक दिस एंड बिकॉज आई रोट सो मेनी टाइम्स कि करेक्ट मुझे फील ही नहीं हुआ एग्जाम में कि करेक्ट। वो दिस इज व्हाट प्रैक्टिस डज टू यू गाइस। मतलब इसने इतना प्रैक्टिस कर लिया था कि 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना ही है बाय डिफॉल्ट, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। इवन आफ्टर डीटी में उसके फर्स्ट क्वेश्चन में 2-3 बार उसने सेम मिस्टेक किया, कट किया, स्टिल ही वाज एबल टू कंप्लीट इट 5 मिनट्स बिफोर, बिकॉज इतना राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस किया, तो सबकॉन्शियसली उसका दिमाग इतना स्ट्रांग हो गया, एंड दैट रियली हेल्प। एंड आई एम नॉट आई डोंट रियली कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली बट स्टिल मैंने पेन्स में बहुत इन्वेस्ट किया। आई यूज टू राइट विद ट्राइमैक्स ओनली क्योंकि पेन वाह, अच्छा होगा तो लिखने का मन भी करता है राइट। 100% अग्री, एंड आई यूज टू बाय जेल पेन्स लाइक 60 जेल पेन्स खरीदे मैंने एंड क्लासमेट की नोटबुक्स पे लिखा। जब लिखने में भी कई बार मजा आता था एंड बिकॉज यू नो यू हैव टू मेक योरसेल्फ हैप्पी। करेक्ट। कभी एंड कभी यही मैं तो ऐसे अपना लिखता रियल इन्वेस्टमेंट है यार, बुक और पेन से अच्छा इन्वेस्टमेंट एक एक प्रोफेशनल के लिए और क्या होगा। एंड कभी कभी मैं ऐसे चाप वाली पार्टी भी कर लेता था दोस्तों के साथ शाम को जाकर के जस्ट टू यू नो वेंट योरसेल्फ आउट। थोड़ा लाइट हो जाओ, राइट, हाँ बट वो ओवर एक्सटेंडेड भी नहीं होना चाहिए, किया थोड़ा, गेट बैक एंड देन वापस से जान लगाना चाहिए। नहीं जस्ट जस्ट वन नाइट एंड विद जस्ट वन फ्रेंड जो
बल्कि हम चाप खाते टाइम भी स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि हाँ इस सब्जेक्ट में इतना हो गया एंड देन व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर जस्ट मोनोमेनियाकल, कुछ तुम्हारे दिमाग में चलता ही होना चाहिए, बिकॉज करेक्ट, माइंड स्पेस सुपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑसम यार, ऑसम, मजा आ गया लक्ष्य तेरे से बात करके। आई एम श्योर आप लोगों को लक्ष्य से बात करके अपना लक्ष्य मिल गया होगा, एंड देयर्स अ ह्यूज ह्यूज अपॉर्चुनिटी भाई। तो अभी लोग, लड़कियां सुनेंगी तेरा ब्रेकअप हो गया है तो तेरा नंबर वंबर मांगेंगी, तो क्या करना है, देना है या फिर यू हैव फाउंड लव अगेन? ओके, हम समझ गए इसका लक्ष्य का जवाब, हम समझ गए हैं। बहुत ही स्मार्टली उसने इस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया है, एंड वी गॉट हिज आंसर। चलो एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट, सीरियसली एक अपना परसेप्शन होता है कि सीए फाइनल का बच्चा यानी एकदम नर्ड होगा, सीए मतलब रैंकर है तो एकदम नर्डी होगा, नर्डी मतलब एकदम ज्यादा पढ़ाकू या कुछ आइडिया नहीं होगा। बट लक्ष्य से बात करके ऐसा लगा कि दैट यस, पढ़ाई जब करनी है तो उसमें पूरा 200% देना है, एंड मस्ती जब करनी है तब मस्ती के लिए अपन 200% देंगे। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट बेस्ट थिंग दैट वी हैव लर्न फ्रॉम यू, एंड बाकी भी काफी सारी अच्छी चीजें सीखने को मिली। वी ऑल विश यू अ वेरी वेरी ब्राइट करियर, एंड अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या ऐसे कोई भी फील्ड में जाते हैं प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहना, सो दैट आज से 2-3 साल बाद भी हम आपके साथ इंटरव्यू करें, जहां पे आप आपका पोस्ट सीए, पोस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एक्सपीरियंस, या इफ यू आर डूइंग एमबीए दैट एक्सपीरियंस यू कैन शेयर विद अस, सो दैट वी आर ऑलवेज एनलाइटेंड विद न्यू थिंग्स इन इन योर लाइफ। Yeah, surely. I would love to be connected to you. And when I was preparing also, मैं देखता था interviews rankers के, and I used to think कि maybe one day even I will be giving interviews to you. वाओ वाओ, सो Days मे dreamed बी of. वन डे हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू टुडे। मतलब ऐसा लगता है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि नहीं होगा, मतलब सपने सच थोड़ी होते हैं, तो ऐसी पाइप ड्रीम्स होते हैं कि बच्चों ने देख लिए, एक दिन अंबानी बनेंगे. बट इफ यू वर्क हार्ड एंड अपना दिल सच्चा है एंड भगवान पे भरोसा है, आई वुड से तो वी विल डू चीजें होती है, मैजिक सुपर हैपेंस. सुपर पॉजिटिविटी, सुपर सुपर वाइब आ रहा है तेरे पास से लक्ष्य, एंड डेफिनेटली होपफुली विल कैच अप सून, या तो मैं दिल्ली आऊंगा या वेन एवर यू आर इन मुंबई, देखते हैं कुछ अरेंज करके, विल कैच अप सून। ठीक है, चल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, तेरे पेरेंट्स को मेरी तरफ से पूरा एक रिगार्ड्स देना, एंड टेक केयर। They are gonna be watching this interview on repeat. सुपर यार, दे डिजर्व ऑल योर हैप्पीनेस, ऑल योर सक्सेस, एंड आई एम श्योर दैट्स द हैप्पीएस्ट डे ऑफ देयर लाइफ। इट इज शेयर्ड सक्सेस. सुपर यार, शेयर्ड सक्सेस। चलो, टेक केयर, सी यू ऑल, हास्ता ला विस्ता, एंड मिलते रहेंगे आपके साथ ऐसे और भी बहुत सारे रैंकर्स से, एंड हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट लक्ष्य, फॉर ऑल द लक्ष्य दैट यू वॉन्ट टू अचीव इन द फ्यूचर। बाय बाय। थैंक यू, बाय.